सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीमे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। इन पंक्तियों को पूरी तरह सिद्ध करती है आज की कहानी। तरुण लोधी मेरठ के सेल्फ मेड बिजनेसमैन, जिनकी कहानी सुनकर आपको बेहद तौर पर मोटिवेटेड फील होगा। ये कहानी आपको एहसास दिलाएगी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ये कहानी है तरुण लोधी की, जिन्होंने अपने दम पर एक फर्नीचर बिजनेस की शुरुआत करी, और न केवल शुरुआत करी बल्कि उसे सफलता तक भी पहुंचाया। इनकी कहानी शुरू होती है 3 जून 1993 से, जब मेरठ में लक्ष्मण सिंह के घर इनका जन्म हुआ। तरुण के पिता उस समय एक फूड एग्रो फैक्ट्री के मालिक थे। जब तरुण 12 वर्ष के हुए तब उनके पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ गई। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। घर में चल रही आर्थिक तंगी के कारण अब तरुण के जीने का अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। स्कूल में फीस ना भरने की वजह से तरुण को पनिशमेंट मिलनी शुरू हो गई। घर के हालात और बिगड़े तो उनके पिता ने अपनी पुरानी आटे की चक्की को वापस लगाकर घर की आर्थिक स्थिति को दोबारा संभालने की कोशिश करी, पर उनकी ये कोशिश असफल रही। पुराने बिजनेस में बार बार निराशा हाथ लगने के कारण उनके परिवार ने फर्नीचर की एक दुकान खुलवाई, जहां महीने में 1-2 सेल्स हुआ करती थी, उससे ज्यादा नहीं। 13 वर्ष का तरुण अपने घर की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होता था और हमेशा अपने परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करता था। फिर एक दिन तरुण के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने फर्नीचर की दुकान की वेस्ट लकड़ी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाएं और उसे बेचें। तो उन्होंने इसी वजह से सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही स्क्रैप लकड़ी से फर्नीचर बनाना शुरू करा, और ऐसा कर वे थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लग गए। अपने घर की पैसों में मदद करने के साथ साथ तरुण रेगुलरली स्कूल भी जाते थे। 2010 में 10वीं क्लास पास कर उन्होंने अपने काम में एक कदम और आगे बढ़ाया। समय के साथ साथ उन्होंने अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और जल्दी अपनी क्रिएटिविटी से नए बेड्स और सोफास डिजाइन करने शुरू कर दिए। मेहनत बढ़ी, काम बढ़ा तो उनकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई। जल्दी उनके घर की आर्थिक स्थिति अब संभलने लगी थी। अब तरुण को यह एहसास हुआ कि अगर उन्हें वाकई में इस बिजनेस में हिट होना है तो उन्हें एक शोरूम खोलना होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर अपना सामान एक सामान्य सी दुकान के मुकाबले एक शोरूम से ही खरीदना पसंद करता है। उन्हें फर्नीचर का शोरूम खोलने के लिए अपने पिता की पुरानी चक्की बंद करानी थी, पर उनके पिता इस बात पर नहीं मान रहे थे। तो तरुण आखिरकार अपने पिता के साथ एक शर्त पर आ टिके, जिसके अनुसार अगर फर्नीचर का काम नहीं चला तो वे उसे बंद कर चक्की वापस शुरू कर देंगे। उन्होंने फिर जैसे तैसे लोगों से पैसे उधार लेकर और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मेरठ में एक शोरूम खोला, जिसे उन्होंने नाम दिया तरुण ट्रेडर्स। इस पर उनका सब कुछ दांव पर लग चुका था, करो या मरो वाली स्थिति थी। अब उन्होंने बिजनेस में एक नई स्ट्रैटेजी यूज करी। वो मार्केट में वो फर्नीचर लाएंगे जो भी मार्केट में है ही नहीं, पर डिमांड में बहुत ज्यादा है। उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम रखा। इस स्ट्रैटेजी की बदौलत उनका काम धीमे धीमे और उठने लगा, और करीब 1 साल के समय में ही इन्होंने खूब सेल्स करी और सारा कर्जा उतार दिया। उनका काम इतना बेहतरीन रहा कि उन्होंने देश की कई अलग अलग स्टेट्स में अपना फर्नीचर डिलीवर कराया। दिन पर दिन, महीना दर महीना तरुण का बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है, और अब वो बड़ी ही तेजी से मॉडर्न फर्नीचर की ओर भी बढ़ रहे हैं। तरुण ने आज जो भी कुछ हासिल करा है अपनी मेहनत और लगन के बल पर करा है। बचपन में पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई में जिन कठिनाइयों का सामना तरुण ने करा, वो नहीं चाहते कि कोई और बच्चा करे, इसीलिए वो अपने फर्नीचर पर काम करने वाले लेबर्स के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरठ के तरुण लोधी की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।